तो टॉपिक हमारा आज का है, जितने हमने जो है वो पिछली क्लास में जितने भी गेट्स हमने यहाँ पे बना के देखे थे, ठीक है, वो हम आज अब पीएलसी के सॉफ्टवेयर में बना के देखेंगे। ठीक है, कैसे आप पीएलसी के सॉफ्टवेयर को यूज करते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज होता है। तो हर एक जितने भी पीएलसी जो है उनका अपना हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। अभी जो हमारा प्राइमरी टास्क है वो है आपका एलन ब्रेडली की पीएलसी पे, और एलन ब्रेडली की पीएलसी में आपका एक तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम यूज करते हैं, और दूसरा अगर आपको उसके लिए आपका प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको सिमुलेटर यूज करना है तो वो भी हम करते हैं, क्योंकि सिमुलेटर में आपको पीएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आप सर्किट्स में बना सकते हो, उसमें चेक भी कर सकते हो। तो जो सबसे पॉपुलर है आपका इसके लिए वो है आपका लॉजिक प्रो है, इस टाइप का एक सिंबल बना मिलेगा आपको, और इस पर डबल क्लिक, ये बेसिकली 15 डे ट्रायल के लिए आता है, पर इसको जो है क्रैक करके चला सकते हैं आगे। क्रैक कर से कैसे करते हैं उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ये कंटिन्यू होगा आपका और इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। अब ये जो इंटरफेस है ये सेम एज है पीएलसी का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। आपका लॉजिक आपको 5000 में 500 आपका आता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ओरिजिनल भी है मेरे पास, ये वाला आरएस लॉजिक 500, ठीक है, और इसी में एक दो और आते हैं, तो एक आपका माइक्रो इंग्लिश भी आता है, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो वाला ये पेड है। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर। तो पहला आपका इंटरफेस दोनों का सेम ही रहेगा, और करते वैसे क्या, सबसे पहला काम आपका जब भी आप इस लॉजिक प्रो को ओपन करो, लॉजिक प्रो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिमुलेशन पे क्लिक करना है और आउटपुट इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे क्लिक कर देना है। तो पहला टास्क आपका ये। उसके बाद ये तो कुछ आपका इंटरफेस है। अब यहाँ पे जो सिंबल हमने पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो हमने एनओ एनसी वो डिस्कस किए थे, कौन सा सिंबल होता है, आउटपुट कौन सा सिंबल होता है, तो वो जो सारा डिस्कशन है वो उसको हम यहाँ देखेंगे। और यहाँ देखो यूजर आप ये टॉप पे, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हमारे पास हैं, कुछ सिंबल हमारे पास है, उनमें से आपका ये न्यू रंग के लिए हमारे पास हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास है ब्रांचिंग वाइज के लिए, अगर आपको जैसे हमने बना के देखे थे अगर आपको याद होगा है ना, कि हम जो और गेट हम पढ़ रहे थे, और गेट में क्या था आपका कि आपको सिंबल जो है वो बनाना है इस टाइप से, तो ये वाला, ठीक है, और गेट में, तो और गेट का सिंबल आपका पैरेलल पाथ में था, अलग एक और रंग इसमें थी नीचे से, तो वो कैसे बनाते हैं वो उसके लिए सिंबल हमारे पास जो है वो ये वाला है। फिर आपका ये एन हो गया, ये आपका एनसी हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट लैच, आउटपुट अनलैच, ये जो है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ जो है आपका ये तीन सिंबल जो है एनओ एनसी और आपका आउटपुट, ये तीन सिंबल जो है वो मेनली काम में आते हैं। तो पहला काम हमारा कि बनाएंगे कैसे इसको, ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे काम करना। अब सिंबल जो है आपका लेटर्स में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉन्सेप्ट आप लेके चलो, या फिर आप क्या करो एक और क्लिक क्लिक पे काम हमारा होता है। तो पहला काम क्या करेंगे हम कि आपको एनओ सिंबल लेके आना है, तो एनओ सिंबल यहाँ है, इसको यहाँ से पिक करो और जब ग्रीन हो फिर छोड़ देना, ठीक है, तो ये सिंबल आपका यहाँ पे आ गया। फिर आउटपुट सिंबल लेके आना है, तो आउटपुट सिंबल के लिए आपका क्या हो गया कि यहाँ से इसको अगेन पिक करो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो, तो ये बन गया आपका सिंबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा एनसी लेके आना था, तो एनसी के लिए क्या आ गया आपने यहाँ से अगेन इसको पिक करो और ये आ गया, इसके बाद एक और आउटपुट आपका ये आ गया, ठीक है, ये तो हमारा बन गया लैडर इस टाइप से। अब एक और चीज क्या आपका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, एंडिंग वाला पॉइंट है, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एंडिंग वाला जो एंडिंग वाला पॉइंट है ये कभी कभी मिलेगा आपको, किसी से किसी पीएलसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, किसी में कुछ दूसरे तरीके से लिखा होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग है। दूसरा एक और चीज मैंने बोली रेल जो हमारे पास थी, ये वाली पावर कॉल पावर कॉयल, तो ये जो हमारे पास है ये हर एक सॉफ्टवेयर में नेसेसरी नहीं है, इसमें आपको मिल गया और पैनासोनिक वाले में नहीं मिलता है, डेल्टा में भी नहीं मिलता है, सीमेंस में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है, सिंगल लाइन आपको मिलेगी और आप उसको प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो काफी स्पेस है प्रोग्रामिंग का, इसका सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस जो है उसका इसका अच्छा है अदर से। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट, ठीक है, तो अब हमारा एनओ और ये हमारा हो गया एनसी, दूसरा हमने दो आउटपुट ले लिए। अब इसके लिए अब कौन सा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा आपका क्लियर पार्ट रह जाए। इसमें हमारे पास क्या, अभी हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एड्रेसिंग होता है। अब एड्रेसिंग मतलब अगर आप देखोगे पीएलसी अगर हमारे पास कोई है तो पीएलसी में टोटल हमारे पास ना इनपुट और आउटपुट हम बेसिकली काउंट करते हैं, तो जो एलन ब्रेडली हमारे पास है एबी की सीरीज की पीएलसी है इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो एबी में जो हमारा है ये वाली, ठीक है, एलईडी बैकग्राउंड 1000 सीरीज की पीएलसी हमारे पास है और इसकी भी ये पीएलसी हम देखेंगे, तो ये इसका बेसिकली ये पार्ट हमारा हो गया। इसमें नाम लिखा, ये लिखा हुआ नाम,
ठीक है, इस टाइप की पीएलसी हमारे पास होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट हमारे पास है, और टोटल कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हमारे पास है। ठीक है, इसमें जो आपका है टोटल हमारे पास जो इनपुट वाली पीएलसी है, इनपुट में आपको टोटल 5 इनपुट हमारे मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो ये आपका नंबर लिखे हैं आपका 6-7 वाले, ये नॉट इन यूज वाले हैं। ठीक है, ये इसमें आपका मैं पीएलसी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें इस टाइप ये पीएलसी दिख रही है ये वाली, तो 1000 सीरीज में इसमें टोटल 9 है, पर जो हमारे पास इसमें टोटल 5 है। देखो यहाँ लिखा हुआ आपका ये इस टाइप से i/0, i/1, i/2, i/3, i/4, i/5 यहाँ तक रहेगा, बाकी ये जो यहाँ पे उसमें आपका नॉट इन यूज लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास आउटपुट आता है, तो आउटपुट के लिए आपका क्या हो गया, अगेन वही कि O0 to O5, तो यहाँ पे भी आपका टोटल आपके 4 आउटपुट वाली पीएलसी हमारे पास है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कम यहाँ पे हमारे पास और रहेगा सेम ही, बस थोड़ा आउटपुट का इनपुट का चेंज होता है, सिंबल सेम है आपका और सब सेम है। अब इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए, अब यहाँ पे क्या आपका कि पीएलसी जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो पीएलसी में सबसे बेटर आपका एक पार्ट ये होगा कि अगर आप इनमें से किसी भी एक इनपुट को लेकर के, ठीक है, किसी भी आउटपुट को, यहाँ पे जितने भी आउटपुट है उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो लाइटली तौर पे। तो क्या हो गया आपका कि अगर मैं I1 पे मेरा कोई बटन है और मैं I1 किसी बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो उससे मैं आपका आउटपुट 0 से लेकर के आउटपुट 5 तक के जितने आउटपुट है सारे कंट्रोल कर सकता हूँ, इंडिविजुअली भी और कंबाइंड में भी। तो वो होता कैसे है, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो होता कैसे है, उसी टाइप में आपका किसी एक स्विच से, आप दो स्विच ले लो और दो स्विच से एक और जो बल्ब हमारा है वो कंट्रोल करो। जैसे हमने इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा एंड गेट था, और गेट हमारे पास था, इसमें हमने क्या था कि एक दो स्विच हमारे पास है उसे एक आउटपुट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी कैसा होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इनके लिए जो हमारे पास इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं उनके लिए हमेशा जो है एड्रेसिंग पार्ट होता है। एड्रेसिंग मतलब कि आप देखो, मतलब अगर मुझे आपके घर में कोई चीज पोस्ट करनी है, कोई लेटर पोस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका घर का जो एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपके घर पे उस एक पर्टिकुलर एड्रेस को लिख करके कोई चीज पोस्ट करूंगा तो वो आपके घर तक पहुंचेगा। सेम केस यहाँ पे भी है कि जिस इनपुट, इस इनपुट पे जो आउटपुट हमने देना है, ठीक है, उसका हम एड्रेस लिख देते हैं, और एड्रेस लिखने का तरीका होता है अलग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट एड्रेस का तरीका होता है, अब वो हम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। एक और चीज की हमेशा जितने भी पीएलसी होती हैं उन सब में मैक्सिमम केसेस में अलग अलग तरीके से एड्रेस डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे माइक्रोलॉजिक 1000 और एलन बिल्डिंग सीरीज वो है आपका पीएलसी है, इसमें आपका आई से डिनोट करते हैं इनपुट को, आउटपुट को ओ से। जैसे आपका सीमेंस वाली है और आपका जो पैनासोनिक वाली है उसमें एक्स वाई से करते हैं, एक्स से इनपुट और वाई से आपका आउटपुट। इसी टाइप से अलग अलग पीएलसी होती है उनमें अलग करते हैं, इसके प्रोग्राम में लिखने का तरीका अलग है, उसका अलग है, तो हर एक अलग अलग होता है। बस जो आपके सिंबल्स हैं वो एक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा आपने इनपुट लगाना है। तो अब हम देखेंगे एड्रेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम जो है आपका वो है एड्रेसिंग वाला पार्ट। एड्रेसिंग के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें प्री डिफाइंड होती है। अब प्री डिफाइंड मतलब कि जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा, मैं दिखाऊंगा भी आपको बाद में, कि यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा फाइल्स में आपका आउटपुट 0 नंबर पे, फिर इनपुट, फिर आपका स्टेटस, फिर बाइनरी, फिर टाइमर, फिर काउंटर, फिर आपका कंट्रोल, फिर आपका इंटीजर, फ्लोट, और आपका ये आपका रिजर्व है। तो हमारे पास इनपुट पार्ट हमारे पास है, लेट्स से दो इनपुट हमारे पास है, तो अब इनपुट पार्ट पर क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इनपुट में जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी एड्रेसिंग के तरीके हमारे पास है वो सारे यहाँ मेंशन है। ठीक है, वो सारे यहाँ पे क्या है, मेंशन है। अब कैसे करेंगे उसमें तो वो देखते हैं हम। तो देखो पहला काम हमारा क्या है आपका कि आपको अपने जो आपका डिवाइस है उसका इनपुट फाइंड करना है कि इनपुट उसमें कौन कौन से वाले हैं। मैं ये बात करूँ पीएलसी के हिसाब से चेंज होता है कि कितने आपके पास इनपुट है, कितने आपके पास आउटपुट है। अगर हमारे पास पीएलसी जो है वो आपके 6 इनपुट वाली है या फिर आपके 9 इनपुट वाली हमारे पास पीएलसी, जैसे ये वाले हो गए, टोटल 10 इनपुट हमारे पास है, तो 0 से लेकर के काउंटिंग हमसे 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अब उसी को जो है वो हम कहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो स्टार्ट हमारा 0 से हो गया, फिर 1, फिर 2, और ये आपका फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट वाले इनपुट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और टोटल 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक के हमारे पास इनपुट एड्रेसिंग हमारे पास है। अब हमारे पास एक और है कि यहाँ को दिख रहा होगा i:0, i:1, i:2, i:3, i:4, ये है क्या, इसको मैं थोड़ा और आपको जस्टिफाई करता हूँ ताकि आपको वो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है,
ठीक है, एड्रेसिंग हम कर रहे हैं। अब एड्रेसिंग के लिए हमारे पास क्या होता है आपका, कि टोटल हमारे पास जो पीएलसी में है, पीएलसी में आए इनपुट हमारे पास है जो, ठीक है, वो टोटल आपके लेट से हमारे पास अभी एबी में 6 हमारे पास होगा, ठीक है। उसी टाइप से आपका जो आउटपुट हमारे पास है वो हमारे पास है 4, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट फर्स्ट की बात करूँ तो मैं आई 0 से ले रहा हूँ, ठीक है। आई आपका 0 हो गया पहला वाला, फिर आपका हो गया I1, ठीक है, फिर आपका हो गया I2, फिर आपका I3, फिर आपका I4, फिर आपका I5, बस इतना ही, 0 to 6 है ना, 0 to 5, टोटल 6 काउंटिंग होगी। इसी टाइप से अगर आउटपुट हम बात करें तो O0 हमारे पास हो गया, फिर से O1 हमारे पास हो गया, O2 हमारे पास हो गया, O3 हमारे पास हो गया, टोटल हमारे पास हो गया ये, क्योंकि AB की हम बात करें तो I से इनपुट और O से आपका आउटपुट डिनोट होता है, ये हो गया। अब वहां पे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपका बहुत सारा लिखा हुआ है कि आपको उसमें कंफ्यूज है कि करना क्या है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसमें भी आपको ऐसा ही मिलेगा, लिखने का तरीका हमारा क्या आपका है, आई फर्स्ट, ठीक है, कॉलन। अब सीरीज आप कौन सी ले रहे हो, आई कॉलन 0, आई कॉलन 1, 2, 3, 4 अप टू 7 तक, जो आप लेना चाहो। लेट्स हम 1 पे काउंट कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आई कॉलन 1, आई कॉलन 1/0, ये पहले वाले के लिए हो गया, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हमारे पास क्या हो गया, फिर से हो गया आई कॉलन 1/0। इस वाले के लिए आपका हो गया आई कॉलन 1/1, ठीक है। इस वाले के लिए आपका हो गया आई कॉलन 1/2, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा आई कॉलन 1/3, ठीक। उसके बाद आपका हो गया आई कॉलन 1/4, और देन लास्ट वन आई कॉलन 1/5, ठीक है। अगर इसके बाद भी हमारे पास है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, और यही नहीं कि आप इसी तरीके से लिख सकते हो, और भी हमारे पास तरीके हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इसको चेंज करना चाहते हो, लेट से अगर आपको इसमें ही थोड़ा और चेंज करना है तो हम इसी में, ठीक है, अभी चलो इसमें और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका ये हो गया। दूसरा, अगर आप 2 वाले को लेना चाहते हो, ये वाले को या 0 वाले को, 2 वाले को, लेट्स से हम 2 वाले को काउंट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या हो गया, आई कॉलन 2/0 पहले वाले के लिए। उसके बाद दूसरे वाले के लिए हमारे पास क्या हो गया, अगेन वही आई कॉलन 2/1, ये हो गया। उसके बाद हमारा हो गया फिर से आई कॉलन 2/2 एन अप टू आई कॉलन 2/5। ये डिफरेंट डिफरेंट वे है लिखने के। अब आपके पास कौन सा अवेलेबल होगा, जो सिमुलेटर वाला पार्ट है, सिमुलेटर में वो आपको अवेलेबल है जहां पे जीरोज हमारे पास बेसिकली, जिसका स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको पिक करके लेके जाऊंगा तो जब अभी तो इनिशियल कंडीशन में जीरो है, और जब यहाँ पे अगर ये हाई होगा तो यहाँ पे आपको 1 शो हो जाएगा, ठीक है। जहां पे नहीं तो वो मिसिंग है, उसको अब यूज तो कर सकते हैं पर मिसिंग है पार्ट ये, ठीक। ये आपका होगा नॉर्मल सेक्टर में। ओरिजिनल में आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपको सिमिलर मिलेंगे, बस थोड़ा सा ये तो ज्यादा नहीं मिलता है, कम मिलेगा। और इनमें एड्रेसिंग करने का तरीका क्या है, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट में लेके जाते हो। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहां से पिक करो, लेट्स से 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ 0 वाले को पिक करो और इस पे जब प्लस बने फिर छोड़ देना, ये आपका एड्रेस आ गया। दूसरा आपका एड्रेस फिर से यहाँ से पिक करो और यहाँ छोड़ दो, ठीक है। या तो ये तरीका है, अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो, थोड़ा टाइम आपको ले लिया आपने और प्रोग्रामिंग आप थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, तो उस केस में ये हम टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमारे पास है। सबसे पहले इसमें फाइल सिलेक्शन करते हैं, ये फाइल अब लेके आए, और इसमें से जो हमारी पीएलसी होती है उसको अब यहाँ सेलेक्ट करो। तो अभी हम लेट से माइक्रोलॉजी 1000 पे करते हैं, ये आपका आ गया, ठीक है। इंटरफेस आपको देखो बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, इसका भी सेम इंटरफेस हमारा है, ठीक है। यहाँ भी आपका सेम इंटरफेस है। अभी यहाँ पे क्या आपका इनपुट आउटपुट, अगेन वही आपको यहाँ पे आप क्लिक करो और इनपुट आपको मिल गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एड्रेस लेके आना है,
अगेन हम इनपुट पे गए, डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो यहाँ भी हमारे पास वही है, पर यहाँ पे सब जीरो सीरीज अवेलेबल है। आई कॉलन जीरो, अगर जीरो वाला इनपुट है तो इसको ले लो, ठीक है, अगर वन वाला इनपुट है तो इसको ले लो, ठीक है, टू है तो इसको ले लो यहाँ से पिक करके, थ्री है तो इसको ले लो यहाँ से पिक करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आउटपुट भी सेम केस में आता है, डबल क्लिक करो आउटपुट भी, आउटपुट आपका कौन सा है, जीरो से लेकर फोर तक या जीरो से लेकर थ्री तक में, अगर आपको टू ऑन करना है तो यहाँ से जीरो को पिक करो और जो आपका आउटपुट है वहां पे जो, अभी आपको आउटपुट लगाया नहीं हमने यहाँ पे, हम आउटपुट लगा सकते हैं, ये लगाते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में जाएंगे फिर से, यहाँ से जीरो को कॉपी करो या फिर लेट्स से टू वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर दो, बस ये बन गया सब प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो इसी में आपको ये तो लिटिल इंट्रोडक्शन था कि कैसे जो है हम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका कि इनपुट आउटपुट आपको, ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे करते हैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट में, अब ठीक है ये तो हो गया। अब इसको देखो कि यहाँ पे सिमुलेटर में थोड़ा एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे आपको बार बार जो है आपका इनपुट एक बॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे को शॉर्टकट्स मिले, तो शॉर्टकट्स जो आपको अब इस पे कट करोगे तो ये आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनपुट आपको आई वन से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आई वन कॉलन, अगर आपको फर्स्ट इनपुट जीरो वाले से काम करना है तो इसको पिक करो, इसको पिक करो। अब लेट से हम इसमें टू वाले को ओपन कर रहे हैं सिग्नल टू से, तो यहाँ इस टू को यहाँ से पिक करो और माउस की हेल्प से और यहाँ पे ले आओ, ये आ गया आपका, ठीक है। अगर आपने चेंज करना है तो डबल क्लिक, ठीक है, जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो इनपुट हो गया। आउटपुट भी अगेन कॉन्सेप्ट सेम ही है, यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ से ड्रैग करो और जब प्लस बने फिर छोड़ देना, यहाँ से भी ड्रैग करो, यहाँ जब प्लस बने छोड़ देना, ठीक है। ये तो बन गया हमारा प्रोग्राम, नॉर्मल सा प्रोग्राम, सबसे आसान सा प्रोग्राम। अब हमने इसकी वर्किंग भी चेक की थी, वर्किंग क्या चेक की थी हमने कि जब हमारा एनओ रहता है वो नॉर्मल कंडीशन में बिना कोई फोर्स अप्लाई किए हुए, उस केस में आपका जो आउटपुट है वो जीरो रहेगा, ठीक है। जब हम उसको प्रेस करेंगे, जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तब जो है आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। एनसी के केस में ठीक उल्टा था कि जब तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक आपका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा कि आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। अब देखेंगे, तो पहला आपका हो गया, हर एक जो आपका चाहे सिमुलेटर पार्ट हो चाहे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पार्ट हो, सबसे पहला काम आपका फाइल सेव करना, ठीक है। फाइल हम सेव करेंगे, आपसे लोकेशन पूछेगा वो, और लोकेशन आप डाल दो जो भी आपका है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो है आपका डेस्कटॉप हम डालेंगे, ठीक है। और फाइल नेम आप कुछ दे सकते हो, लेट्स से हम इसको फाइल 01 देते हैं, ठीक है, ये हो गया, प्रेस सेव कर दो इसको, ठीक है। और अच्छा ये फाइल क्या नाम, सेव, कोई बात नहीं, ये सेव मना कर रहा है तो वैसे भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका। फिर हम यहाँ से अगर आपने फाइल सेव कर दी एक बार, उसके बाद क्या करो कि यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करो, उसके बाद आपको लिखा हो डाउनलोड टू पीएलसी, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है, ये आपका हो रहा है डाउनलोड, हो गया डाउनलोड। फिर से आपको दोबारा इसी पे क्लिक करना है, फिर आपको गो ऑनलाइन, ठीक है, और फिर आपको करना है रन। अब देखो कंडीशन क्या थी कि जब मैं आई वन प्रेस करूंगा तो आपका आउटपुट जीरो ऑन होना चाहिए, है ना। तो आउटपुट वन प्रेस करो, देखो हो रहा है ऑन, माउस से प्रेस कर रहे हैं उसको, फिर रिलीज कर दो फिर बंद हो गया, प्रेस कर रहे हैं तो फिर आपको आउटपुट ऑन मिल रहा है, और आउटपुट टू जो है वो ऑन ही रहेगा अभी, क्यों, क्योंकि उसके आगे एनसी लगा हुआ है, एनसी तब सिग्नल ब्लॉक करता है, तब आपका सर्किट ब्लॉक करता है जब उसके आगे हमने क्या लगा दिया, हम उसको एनओ बनाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये रिलीज करो फिर आपको बंद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका आई टू आउटपुट टू बेसिकली ऑफ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करो, आई टू प्रेस करो, देखो आई टू प्रेस हो गया, तो जो आपका शॉर्ट सर्किट था वो ओपन सर्किट बन गया कन्वर्ट, और आपका आउटपुट बंद हो गया। ये बेसिक टास्क हमारा है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट भी हमने बनाना सीखी कैसे हम बनाते हैं, ठीक। एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी जो हमारा रंग्स है उनमें आपका एड्रेसिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आइदर जो एड्रेस हमारा है वो आपके नॉर्मल इनपुट आउटपुट के हो सकते हैं, टाइमर का हो सकता है, काउंटर का हो सकता है, आपका बाइनरी का हो सकता है, वो सारी चीजें वहां पे भी आपको मेंशन जो है वो यही करना पड़ेगा, इस टाइप से एक आपको चूज करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और प्रोग्राम जो आपका, ठीक है, ये है आपका और ये आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी दोनों के जीरो हमारे पास है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हमारा था आपका, यहाँ पे अभी देखो स्टेटस हमारा ये हो गया, इसको भी कट करता हूँ मैं, ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया। अब देखो अभी स्टेटस क्या आपका, दोनों का जीरो जीरो है, अब किसी एक को मैं प्रेस करूंगा तो आपको स्टेटस दिखेगा वन, देखो मैंने वन वाला प्रेस किया यहाँ पे, अब देखो स्टेटस वन दिख गया आपको, अगर मैं टू वाला प्रेस करता हूँ तो स्टेटस वन हो जाएगा। इसीलिए कि सिमुलेटर में हम जो है आपके वो एप्स या वो मतलब आपके सिंबल्स
के लिए वो एड्रेस लेते हैं जहां पे जीरो फिल रहता है, ताकि आप उसका स्टेटस चेक कर सको। अगेन आप देख सकते हो मैं आई वन प्रेस कर रहा हूँ तो जहां पे हमारा वन है, ठीक है, यहाँ पे वन हमारा है, यहाँ पे इसके नीचे वन हो जाएगा, आपका स्टेटस चेंज हो गया, और आई टू वाले केस में स्टेटस आपका फिर से चेंज हो गया। क्लियर पार्ट है इतना। इस पे अगर आपको कोई और वर्क करना है तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑफलाइन लाएंगे। तो ऑफलाइन लाने का तरीका आपका क्या है, दोबारा इसी पे क्लिक करो, गो ऑफलाइन, और हम ऑफलाइन आ गए। अब इस पे हम जो काम करना चाहे कर सकते हैं।